आप सभी को मेरा प्रणाम। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मित्रों, आज फाइकस गिब्बोसा या फाइकस टिंक्टोरिया की चर्चा करेंगे। मोरेसी कुल का ये प्लांट है। ये जो आप फ्रूट देख रहे हैं, कच्ची अवस्था में ग्रीन कलर के रहते हैं और पकने के बाद येलोइश और पर्पल कलर के हो जाते हैं। इनसे नेचुरल डाई एक्सट्रैक्ट की जाती है, जो कि कपड़ों के फाइबर्स को रंगने के लिए इस्तेमाल में आती है। और इस डाई के अंदर फ्लेवोनाइड्स, पॉलीफेनोलिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं और इसी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट, एंटी कैंसरस पोटेंशियल भी होता है। स्किन के ऊपर होने वाले घाव, ट्यूमरस ग्रोथ, एलर्जीज, किसी भी प्रकार की हो, पित्तजनित, सब के लिए आप इसके गढ़ा बनाकर घाव को धो सकते हैं और पत्रों की पुल्टिस बांध सकते हैं। कई बार मित्रों, कार्टिलेज रप्चर हो जाता है, बोन फ्रैक्चर हो जाता है, हड्डियों में बाल आ जाता है, तो ऐसी अगर समस्या है तो इसके पत्र को हमें पुल्टिस बांध देना चाहिए। और पत्र की पुल्टिस बांधते समय क्या ध्यान रखना है, हमें इसके ऊपर अलसी के तेल को थोड़ा सा लूक वार्म कंडीशन में करके, थोड़ा सा गर्म करके इसके पत्र के ऊपर अप्लाई करना चाहिए और उसके बाद ही पुल्टिस बांधनी चाहिए। आप देखेंगे कि सभी प्रकार की मोच, सूजन, फटा हुआ कार्टिलेज बहुत आसानी से हील हो जाता है। बेटर तो ये होता है कि आप इसके पत्र की साथ साथ पुल्टिस भी बांधते रहें और इसकी छाल का काढ़ा भी पीते रहें। हीलिंग बहुत फास्ट होती है, आसानी से ये ठीक करता है। मित्रों, इसकी जो छाल होती है, जब कभी हमें चोट लगती है तो WBC बढ़ने के कारण हमें हल्की हल्की ठंड लगती है, बुखार जैसी अवस्था हो जाती है, तो उसको भी ठीक करने के लिए नेचुरल पेन किलर के रूप में आप इसकी छाल का डिकॉक्शन पी सकते हैं। इसकी रूट को जब हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो उससे भी डाई तैयार की जाती है, रेड डाई बनाई जाती है। और उस रूट का डिकॉक्शन बनाकर जब आप सेवन करते हैं, कई प्रकार की यूरिनोजेनाइटल डिसऑर्डर्स को ठीक करने का कार्य करता है। खिंचाव कहीं हो गया हो उसको ठीक करने का कार्य करता है, स्टोन की समस्या हो उसको ठीक करने का कार्य करता है, जनरल बॉडी वीकनेस को दूर करने का कार्य करता है, मिनरल्स का खजाना होता है और शरीर की कमी के पूरा करते हुए आयरन, कैल्शियम को बढ़ाने का कार्य करता है, एनीमिक कंडीशन हो उसको भी दूर करने का कार्य करता है। साथियों, कई बार न्यूरोमस्कुलर सिस्टम की वीकनेस के कारण, हमारी वेंस और हमारी आर्टरीज के वीकनेस के कारण हमें कॉम्प्लिकेशंस झेलने पड़ते हैं और स्किन के ऊपर अगर किसी भी प्रकार की रेडनेस या वेंस में कहीं पेन हो रहा हो, वेरिकोज वेन का भी अगर पेन हो, तो इसके महीन पाउडर करके इसका हमें अप्लाई करना चाहिए और इसके काढ़े का भी सेवन करना चाहिए। इसका पत्र मिल जाए तो पत्र का भी आप डिकॉक्शन बनाकर सेवन कर सकते हैं, पूरी तरह से इफ़ेक्टिव है। इसके पत्र मित्रों थोड़े रफ़ होते हैं, काफ़ी रफ़ खुरदरा सा इसका ये पत्र होते हैं, और हालांकि एग्रोक्लाइमेटिक वेरिएशन के कारण पत्र का शेप चेंज हो जाता है रीजन टू रीजन, लेकिन इसके जो फ्रूट होते हैं वो राइपन होने के बाद बहुत अच्छा नेचुरल डाई, एंटीऑक्सीडेंट्स का खजाना होता है। और प्लांट, इस प्लांट पे और हर्बल रेमिडीज़ क्या क्या हो सकती हैं, ये अभी शोध का विषय है और ज़्यादा इस पर अध्ययन चल रहा है। मित्रों, कई बार एम्बिगुअस पेन हो जाता है, गुमचोट इसको हम कहते हैं। गर्मियों में क्योंकि रक्त का फ्लो प्रॉपर रहता है, अच्छा रहता है, तो हमें वो पेन फील नहीं होता है। सर्दियों में वो पेन हमें लगातार फील होता है, हमें दर्द महसूस होता है, तो आप इसके पत्र की पुल्टिस बांध सकते हैं और इसके पत्र और छाल का डिकॉक्शन पी सकते हैं। सभी प्रकार के सर्दियों में होने वाले दर्द, खिंचाव, मोच, सूजन सबको ठीक करता है। और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे टेलीफोनिकली, ईमेल के माध्यम से और कमेंट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कल सुबह 6:30 बजे एक नए प्लांट के साथ, नए समाधान के साथ फिर मिलेंगे। जानकारी को शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी का धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।